छतरपुर विधानसभा नक्सल से प्रभावित है और हम लोग हथियार मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं। मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, क्या लगता है एक विधायक की आवाज जिला प्रशासन पुलिस एसपी तक सुन नहीं रहा है? विपक्ष के नाते हम लोग का न कोई काम हो रहा है और न सुन रही है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज 24x7 और मैं हूँ डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी हमारे सामने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पलामू के छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी मौजूद हैं और उनसे सवाल करते हैं। इन्होंने कल एक बड़ा ही संगीन मसला उठाया था कि जिसमें इन्होंने खुद के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने निजी बॉडीगार्ड के लिए, जो सरकारी अंगरक्षक है उनके लिए, अत्याधुनिक हथियार की मांग की थी कि ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस सारे मामले पर इनसे बात करते हैं। मैडम, आपने लिखित तौर पर विधानसभा में दिया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आप आती हैं और आपके जो सरकारी अंगरक्षक है उनको अत्याधुनिक हथियार नहीं है, आप असुरक्षित महसूस करते हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोग, आप लोग जान रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा नक्सल से प्रभावित है और हम लोग हथियार मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं, लेकिन बराबर वहाँ के जो अधिकारी हैं डीसी और एसपी वो बराबर बोलते हैं कि ठीक है अबरी में दे देंगे, लेकिन आज 4 साल हो गया लेकिन अभी तक ला हमको आपके बॉडीगार्ड को वो अत्याधुनिक हथियार नहीं मिला अभी तक। लेकिन सरकार का जवाब आया है कि वो हथियार जो है उसके लिए आप एलिजिबल, आपके बॉडीगार्ड एलिजिबल नहीं है, समीक्षा करेंगे और जब वैसी स्थिति बनेगी तब वो हथियार दिया जाएगा, तो आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? जब हमको कुछ हो ही जाएगा तो आप समीक्षा क्या कीजिएगा। नक्सल प्रभावित में हम घूम रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि जब से ही सरकार बनी है तब से उग्रवाद लोग कितना प्रभावित हो गया है क्षेत्र में कि हम लोग चलने के स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग के वही काम करना है, जाना ही पड़ता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जितने आपका अति जो लगल था सिपाही लोग के सबके बुलवा लिए और जो सिपाही लोग अभी गया है वो लोग अभी निकलता नहीं है डर के मारे, इतना उग्रवाद लोग हावी हो गया है। मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, क्या लगता है एक विधायक की आवाज जिला प्रशासन पुलिस एसपी तक सुन नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? मैडम देखिए, हम लोग विपक्ष के हैं इसलिए जिला प्रशासन हो या राज्य के सरकार हो, विपक्ष के नाते हम लोग का न कोई काम हो रहा है और न सुन रही है सरकार। तो आप क्या, आप जब आपको सरकार जो है बॉडीगार्ड के मसले पर बैकफुट पे है, सरकार नहीं दे रही है, और लेकिन आपने मांग किया कि छतरपुर में अवलंब निबंधन कार्यालय की स्थापना हो, क्या निबंधन कार्यालय की मांग को भी अनसुना कर दिया गया कि आपको मुख्य द्वार पर, विधानसभा के मुख्य द्वार पर सीढ़ी पर बैठ कर आंदोलन करना पड़ रहा है? हम ये तो छोटी मांग है जिसकी पूरी होनी चाहिए। छोटी मांग है लेकिन हम पहचान किए थे, आज 4 साल हो गया, सरकार जवाब भी दी कि निबंधन कार्यालय खुलेगा छतरपुर विधानसभा में, लेकिन सरकार अभी तक ला चारों भर से प्रक्रिया मैंने पूरा हो गया है, आप डीसी के यहाँ से, सचिव के यहाँ से, चारों भर से प्रक्रिया शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ला 2 महीना से हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए खोज रहे थे जी। लेकिन 2 महीना से मुख्यमंत्री आपको समय नहीं दे रहे मुलाकात, समय नहीं दिए मुलाकात करने के लिए जी। अभी गए थे पलामू, अभी पलामू गए थे सरकार आपके द्वार में जी। तो हम इसी को कागज लेकर के गए थे और मिले और दिए सर्किट हाउस में, और सरकार आपके द्वार में भारी मंच में जाके
और मंच पर से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि अति बीजेपी के महिला विधायक आके चुपे चुपे मिलते हैं और ला के कागज देते हैं और यहाँ मंच पर आने में शर्म लगता है। तो आप इस बात से आहत हुई या दुखी हुई क्या? इस बात से मुख्यमंत्री जी से हम बहुत दुखी हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपसे हम लोग नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, किसको पास हम समस्या बताएंगे? हम क्षेत्र में हम लोग के भी जवाब देना पड़ता है, हम लोग से भी जवाब सवाल क्षेत्र का करता है जनता लोग, आज चुन के भेजा है हम लोग के, हमको भेजा है तो आज हम लोग के भी जवाब देना पड़ता है। तो आपको भीर नहीं जाए, मंत्री भीर नहीं जाए, मुख्यमंत्री भीर नहीं जाए तो किसको पास जाए? तो छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी जो है अपनी अनगिनत व्यथा पीड़ा और सिस्टम पर सवाल करती हैं और इनके इस सवाल पर जितनी गंभीरता है, खासतौर पे इनकी सुरक्षा को लेकर के विधानसभा के पटल पर जो संसदीय कार्य मंत्री है उनका जो जवाब आया था, वो जवाब ये था कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर अति विशिष्ट व्यक्ति उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं उस सुरक्षा गार्ड की समीक्षा की जाती है कि किस तरह के अत्याधुनिक हथियार दिए जाएं या ना दिए जाएं। बहरहाल पुष्पा देवी जो छतरपुर की विधायक हैं ना केवल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखती हैं बल्कि छतरपुर में जो निबंधन कार्यालय है उसको खोले जाने की मांग भी करती हैं, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी काफ़ी कुछ गिले और शिकवे रखते हैं। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 डॉक्टर सोमनाथ आर्या के साथ, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडस न्यूज़ 24x7।